वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल SCN वाला। मैं हूं रीन फातिमा। आज आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक। तो आपने इस टॉपिक को इससे पहले भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसको इतने अच्छे वे में पढ़ेंगे कि आपके सारे डाउट इसी सेशन में खत्म हो जाएंगे। तो इस टॉपिक में आने वाली आपकी सारी दिक्कतों को हम यहीं पर सॉल्व कर देंगे। अगर हम बात करते हैं टॉपिक का नाम क्या है, तो टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जो कि हमारे क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और साथ ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टॉपिक है। तो अगर हम बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं उपसर्ग, तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द, कोई शब्द हम अगर लेते हैं उससे पहले लगकर उसका जब अर्थ बदल दें या उसमें कोई विशेषता ला दें या फिर कोई भी उसमें परिवर्तन कर दें, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। तो एक बार हम इसकी परिभाषा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर, ये आपको याद रखना है कि कहाँ लगेंगे, ये पहले लगकर यानी कि स्टार्टिंग में लगेंगे, पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। क्या होता है, जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है वो जब ये उपसर्ग लगते हैं उसमें तो उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे उपसर्ग कहलाते हैं यानी कि प्रीफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, हार, अगर मैं बात करती हूँ, हार एक मूल शब्द है, हार, तो हार का मीनिंग क्या होता है, एक हार होता है पहनने वाला, फूलों का हार हो गया या जो भी हम पहनते हैं वो, लेकिन दूसरे अगर हम बात करें हार का मीन्स क्या होता है, हार मीन्स हारना भी होता है। तो इस हार के दो मीनिंग होते हैं, एक तो पहनने वाला, दूसरा कौन सा, दूसरा हारने वाला, ये हमारा मूल शब्द है। लेकिन अगर हम उपसर्ग की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले लगेंगे, तो अब ये मूल शब्द है, इसके आगे अगर हम प्रा जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, प्रा उपसर्ग जोड़ देते हैं, ये अभी हमारा क्या है, ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है, लेकिन हमने इसके आगे प्रा उपसर्ग जोड़ा, प्रा उपसर्ग जोड़ा, अब ये क्या बन गया, प्रहार। तो प्रहार मीन्स क्या होता है, इसको हमने जोड़ दिया तो ये बन गया प्रा। अब प्रहार मीन्स क्या होता है, प्रहार मीन्स होता है चोट, प्रहार मीन्स क्या होता है, चोट। तो अभी हम क्या देख पा रहे थे कि हार का मीनिंग क्या होता है, हार का मीन्स होता है हारना या पहनने वाला हार, लेकिन जैसे ही हमने उसमें क्या किया, एक प्रा उपसर्ग को जोड़ा, तो फिर उसका मीनिंग एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। अब क्या आ गया, प्रहार, जिसका अर्थ क्या होता है, चोट। तो आपने क्या देखा, जैसे ही हमने एक नया शब्द जोड़ा उसमें एक परिवर्तन आ गया, उसका पूरा मीनिंग बदल गया। इसी तरह हम देखते हैं आगे, अगर हम प्रा की जगह आ करते, ठीक है, तो हार तो जैसे कि अभी आप जानते हैं हार के दो मीनिंग होते हैं, इसी तरह अगर हम इसमें आप उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अब ये क्या बन जाता है, अब ये हमारा बन जाता है आहार। क्या था हमारा मूल शब्द, क्या था, हार था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें आ उपसर्ग जोड़ा तो ये क्या बन गया, आहार बन गया। और जैसे कि आप जानते हैं आहार मीन्स क्या होता है, अब ये बन गया एक भोजन। जैसा आप जानते हैं आहार मीन्स क्या होता है, भोजन, अभी हार मीन्स क्या था, अभी हार मीन्स दूसरा था, लेकिन जैसे ही हमने उपसर्ग इसमें जोड़ा वैसे ये क्या बन गया, आहार बन गया, जिसका अर्थ बिल्कुल ही अलग हो गया। और समझते हैं, अगर हम बात करते हैं जय, तो जय मीन्स क्या होता है, जय मीन्स होता है जीत, जय मीन्स क्या होता है, जीत, लेकिन इसके अगर आगे हम परा उपसर्ग जोड़ देते हैं, क्या उपसर्ग जोड़ देते हैं, परा, अभी हमारा मूल शब्द क्या है, जय, जिसका अर्थ क्या होता है, जीत, लेकिन जैसे ही हमने इसके आगे परा उपसर्ग जोड़ा तो अब ये क्या बन जाएगा मिलकर, अब ये बन जाएगा पराजय। अब पराजय मीन्स क्या होता है, पराजय मीन्स होता है हार। तो अब क्या हमने इसमें चेंजेस देखे, जैसे ही हमने मूल शब्द में कोई नया शब्द जोड़ रहे हैं उसके स्टार्टिंग में, तो क्या होता चला जा रहा है, उसके बिल्कुल मीनिंग चेंज होते चले जा रहे हैं, जो कि नया शब्द बनता है पराजय। तो पराजय मीन्स क्या होता है, हार। ऐसे और देखते हैं, अगर हम मूल शब्द लेते हैं गमन, तो गमन मीन्स क्या होता है,
जाना होता है, गमन मीन्स होता है जाना। लेकिन अगर हम इसमें उपसर्ग कोई जोड़ते हैं, अगर हमने इसमें उपसर्ग जोड़ दिया आ, तो अब ये मिलकर क्या बन जाएगा, आगमन। अभी इसका मीन्स क्या था, गमन मीन्स था जाना, लेकिन जैसे ही हमने इसमें एक नया वर्ड जोड़ा, नया शब्द जोड़ा आ, तो अब ये मिलकर क्या बन गया, आगमन। और आगमन मीन्स क्या होता है, आगमन मीन्स होता है आना। तो आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से इनके मीनिंग भी बदल जा रहे हैं। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और ये लग कहाँ है, स्टार्टिंग में लग है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके प्रकार की, के उपसर्ग के प्रकार की। अब हम बात करते हैं उपसर्ग के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें उपसर्ग के प्रकार, तो वो तीन तरह के होते हैं। नंबर वन संस्कृत के उपसर्ग, कौन से, संस्कृत के उपसर्ग। नंबर वन हमारे हो गए संस्कृत के उपसर्ग। यहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरे, तो वो होते हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। पहले कौन से, संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे विदेशी उपसर्ग। तीसरे कौन से, विदेशी उपसर्ग। अब ये संस्कृत के उपसर्ग कैसे हैं और हिंदी के उपसर्ग कैसे हैं और विदेशी उपसर्ग कैसे हैं, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी। तो हम बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द शामिल हुए हैं उनका जो अंश होता है वो हमारे संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं उनको हम कहते हैं संस्कृत के उपसर्ग। यहीं पे अगर हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग, तो जो हिंदी के एक्चुअल होते हैं उपसर्ग, वही उनकी बात हो रही है। और विदेशी उपसर्ग, अगर हम विदेशी उपसर्ग की बात करें, तो आप जानते हैं हमारी हिंदी भाषा में अरबी फारसी भाषाओं का भी सम्मेलन है। तो जो ऐसे भाषाएं हैं जो बाहर से आने वाली भाषाएं हैं, जैसे अरबी फारसी होगी, उनके जो हम उपसर्ग को यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी उपसर्ग, क्योंकि वो हमारे नहीं है, वो बाहर से आए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, विदेशी उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हिंदी में शामिल हुए, हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी के ही है, और अगर बात करते हैं विदेशी उपसर्ग, तो ऐसे उपसर्ग जो हमारे बाहर की भाषाओं से शामिल हुए। तो अब हम इनको एक एक को डिटेल में समझते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, हिंदी के और विदेशी उपसर्ग के बारे में। चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से, जो संस्कृत भाषा से आए, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, हम इन्हें या तो संस्कृत के उपसर्ग भी कह सकते हैं और हम इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं। कौन से, तत्सम उपसर्ग। अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए कि तत्सम उपसर्ग का प्रयोग करिए, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उन्हीं को हम तत्सम उपसर्ग के नाम से जानते हैं, उनका नाम तत्सम उपसर्ग भी होता है। अगर हम बात करते हैं उपसर्ग की, तो जैसे हमारे पास उपसर्ग क्या है, आ, तो आ का अगर अर्थ की बात करें, तो इसका अर्थ होता है अभाव या फिर नहीं। क्या अर्थ होता है इसका, अभाव या नहीं, आ उपसर्ग है हमारा। अगर हम इससे आ से मिलकर कोई शब्द बनाए, तो वो हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं अधर्म, अधर्म बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, अज्ञान बना सकते हैं, और इसमें हाँ, तो अधर, अज्ञान, अपवित्र। अगर हम आ उपसर्ग लेते हैं, तो जिसका अर्थ होता है अभाव या नहीं, तो हम क्या बना सकते हैं, इसे अधर बना सकते हैं, अज्ञान और अपवित्र बना सकते हैं। लेकिन आप एक इस बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारे मूल शब्द होते हैं, अब जैसे ये तो इसमें क्या है, उपसर्ग हो गया, मूल शब्द हमारे क्या है, धर्म है। तो हमें ध्यान रखना है, जो भी हम मूल शब्द लें, तो मूल शब्दों का चुनाव हमें इसी आधार पर करना है कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है उपसर्ग का प्रत्यय करते वक्त, कि जो भी हमारे मूल शब्द लें वो कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी ले लें, तो मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए जो भी हमारे मूल शब्द हों। ऐसा नहीं आपने कोई भी वर्ड लिया और उसमें आपने ये उपसर्ग जोड़ दिया बन गए, नहीं। हमें ये ध्यान रखना है, जो भी हमारा मूल शब्द हो वो मीनिंगफुल होना ही चाहिए। तो जैसे अधर्म है, अगर हम इसमें आ उपसर्ग हटा देते हैं, बचता है धर्म, तो धर्म एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं इसमें से आ अगर हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, ज्ञान बचता है। तो ज्ञान कैसा है, ज्ञान भी एक मीनिंगफुल वर्ड है।
अगर ऐसे इसमें से हम आ हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, पवित्र बचता है। तो पवित्र क्या है, पवित्र भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, तो जो भी हमारे मूल शब्द है वो सारे मीनिंगफुल वर्ड है, कोई भी मीनिंगलेस नहीं है। तो हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है उपचार प्रत्यय करते वक्त कि जो भी हमारे मूल शब्द होंगे वो कैसे होने चाहिए, वो मीनिंगफुल होने चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करते हैं सौ की, तो सौ मीन्स होता है अपना। सौ का अगर अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है अपना। तो हम इससे मिलाकर क्या बना सकते हैं, सौ से बना सकते हैं स्वदेश। क्या बना सकते हैं, हमारा ये बन गया स्वदेश। और क्या बना सकते हैं, और बन सकता है स्वतंत्र, और हम बना सकते हैं इससे स्वयं। तो ये क्या हो गया हमारे, ये स्व से मिलकर बनने वाले स्वदेश, स्वतंत्र, स्वयं। आप देख पा रहे होंगे कि स्व ये सारे उपसर्ग कहाँ आ रहे हैं, स्टार्टिंग में आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं अब की, तो अब का मीन्स क्या होता है, अब मीन्स होता है बुरा। अगर अब की बात करें तो अब का मीन्स होता है बुरा। अब हम इससे मिलकर क्या बना सकते हैं, अपमान। क्या बना सकते हैं, अपमान। और हमारा क्या बन सकता है, अपकार बन सकता है। और हम इससे मिलकर क्या बना सकते हैं, अपमान हो गया, अपकार हो गया, और अपशब्द बना सकते हैं। तो आप ये सब कहाँ लग रहे हैं, आपसे देखते भी रहिएगा, स्टार्टिंग में लग रहे हैं। तो अपमान बन सकता है इससे, अपकार बन सकता है, और अपशब्द बन सकता है। अगर यही भी हम बात करते हैं पूरा, पूरा मीन्स क्या होता है, तो जैसे आप जान सकते हैं पूरा मीन्स होता है पुराना, पूरा मीन्स होता है पुराना। तो हम पूरा से मिलकर क्या बना सकते हैं, पुरातत्व बना सकते हैं। और क्या बन सकता है हमारा, पुरा मीन्स पुरातत्व हो गया, और हमारा पुराना भी बन सकता है, पुराना हो गया हमारा। और हम इससे क्या बना सकते हैं, अब मीन्स क्या होता है, अब मीन्स भी बुरा होता है। अब का अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ भी होता है बुरा। तो हम इससे मिलाकर क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं अब बुरा। क्या, अवगुण। और हम क्या बना सकते हैं, अवगुण बना सकते हैं, अवगुण बना सकते हैं, और अवकार भी बना सकते हैं। तो ये सब हमारे कौन से अवसर, ये हमारे संस्कृत भाषा के अवसर हैं। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ की बात करें तो होता है अभाव या नहीं। तो हम इससे मिलकर क्या बना सकते हैं, अधर्म, अज्ञान और अपवादित। यही पे अगर हम बात करते हैं स्व, तो स्व मीन्स होता है अपना। तो हम बना सकते हैं स्वदेश, स्वतंत्र और स्वयं। इसी तरह अब आपका अर्थ की बात करें तो बुरा, जैसे अपमान, अपकार और अपशब्द। पुरा मीन्स होता है पुराना, तो पुरातत्व, पुराना, ये भी बना सकते हैं। और अगर बात करें अब की, तो अब मीन्स होता है बुरा, अवगुण और अपमान। चलिए आप पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग के बारे में। अब हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग के बारे में। हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं, जो हिंदी के ही हैं। तो पहला उपसर्ग हमारे पास यहाँ क्या है, अध। तो अध के अगर अर्थ की बात करें हम, तो अध क्या होता है इसका, अध का अर्थ होता है आधा। क्या होता है, आधा। तो हम क्या बना सकते हैं इसे, जिसमें हमारा अध शामिल हो, हम बना सकते हैं अध जला। क्या बना सकते हैं, अध जला। और बना सकते हैं हम इसे अध खिला। और क्या बन सकता है हमारा, अध जला, अध खिला। तो हमारे मूल शब्द भी यहाँ पर मीनिंगफुल है, इस बात का ध्यान रखना। और बना सकते हैं अध, तो हम बना सकते हैं अध जला, अध खिला और अध मरा। अध जला, अध खिला और अध मरा। ठीक है, इसी तरह आगे हमारा नेक्स्ट है अन। तो अन की अगर हम बात करें तो अन मीन्स होता है अभाव। अन मीन्स क्या होता है, अभाव। तो हम इससे क्या बना सकते हैं, जिसमें हमारा अन शामिल हो, हम बना सकते हैं अन बन। क्या बना सकते हैं, अन बन। और हम बना सकते हैं इसे अन कहीं। और क्या बना सकते हैं, अन बन, अन कहीं। और हम बना सकते हैं अन सुन। तो ये भी हमारे क्या हो गए, इसके शब्द हो गए, अन बन, अन कहीं, अन सुन। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारा चौ। तो चौ मीन्स क्या होता है, आप लोग सभी जानते होंगे, चौ मीन्स क्या होता है, चाक। चौ मीन्स क्या होता है,
चार, हम इसे मिलाकर क्या बन सकते हैं, चौराहा। तो चौराहा क्या हो गया हमारा, ये भी एक शब्द हो गया जिसमें राहा क्या, राहे हम जानते हैं, चौराहा ऐसी जगह जहाँ चार राहें मिलती हैं, तो वो क्या हो गया हमारा चौराहा। और हम क्या बना सकते हैं, चौमासा, चार मास का, तो चौराहा चौमासा। और हम बना सकते हैं ऐसे चौकोर। ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे नए शब्द हो गए इन उपसर्ग से मिलकर बनने वाले, चौराहा चौमासा चौकोर ऐसे। नेक्स्ट है कु, तो कु मीन्स होता है बुरा, कु के अगर अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है बुरा। तो हम इससे मिलाकर क्या बना सकते हैं, कुमार बना सकते हैं, कुमार यानी कि कैसा मार, बुरा मार, तो क्या हो गया कुमार। और हमारा इससे मिलकर बन सकता है कुसंग बन सकता है, और हम इससे मिलकर बना सकते हैं कुपार्क। तो ये हमारे क्या हो गए, कुमार्ग कुसंग और कुपार्क। लास्ट है हमारा भर, तो भर मीन्स क्या होगा, जैसे भर मीन्स होता है पूरा, तो अगर भर के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है पूरा, भर का अर्थ क्या होता है पूरा। तो अब इससे मिलकर हम क्या बना सकते हैं, भर पेट, खाना खाते हैं तो क्या हो गया भर पेट। और हम बना सकते हैं इससे मिलके भर पूर, ठीक है भरपूर, और भर महान। ये सारे हमारे क्या है, ये उपसर्ग से मिलकर बनने वाले शब्द है। जैसे आज मीन्स क्या, अगर इसके अर्थ की बात करें, आपको अर्थ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये शब्द बनाने, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि अध उपसर्ग से मिलकर बनने वाले नए शब्द बनाए। आप क्या बना सकते हैं, अध जला अध खिला और अध मरा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा उपसर्ग है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अध जला में कौन सा उपसर्ग है, हिंदी का है संस्कृत का है या विदेशी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अध जला अध खिला और अध मरा। यहीं पर अगर हम बात करते हैं अन की, अनबन अनकही अनसुन, चौ तो चौ में चौराहा चौमासा चौको, इसी तरह को कुमार कुसंग कुपात्र, भर तो भरपेट भरपूर और भरमार। ये हमारे कौन से हिंदी भाषा के उपसर्ग है। अब हम बढ़ते हैं विदेशी उपसर्ग, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, जो है विदेशी उपसर्ग। तो विदेशी उपसर्ग जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा में अरबी भाषाओं का भी मेल है, तो वो जो उपसर्ग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी उपसर्ग कहते हैं। क्या हम इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्हें हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं। कौन से, आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं, आगत उपसर्ग। आगत मीन्स होता है आना, तो ऐसे उपसर्ग जो आए हैं विदेशी भाषा के हैं, तो वो हमारी भाषा में आए तो हैं शामिल हुए, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं, जैसे कि है गैर, तो गैर मीन्स क्या होता है, गैर के अगर अर्थ की हम बात करें तो गैर मीन्स होता है बिना, क्या होता है बिना। तो हम इससे मिलकर क्या बना सकते हैं, एक नया शब्द गैर कानूनी, क्या बन गया हमारा गैर कानूनी, ऐसा काम जो कानून के बिना हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, गैर कानूनी। और हम बना सकते हैं गैर जिम्मेदार, क्या हो गया हमारा गैर जिम्मेदार, तो गैर कानूनी गैर जिम्मेदार, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ना की, तो ना के अगर अर्थ की बात करें तो ना का अर्थ होता है कमी, किसी चीज की भी कमी के लिए हम क्या ना लगाते हैं, तो ना मीन्स क्या होता है कमी। हम इसे मिलाकर क्या बना सकते हैं, ना समझ, ना समझ, जिसके पास समझ की कमी हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ना समझ। और इसी के साथ हम मिला सकते हैं ना पसंद, ना पसंद, और हम क्या बना सकते हैं, नाकामी भी बना सकते हैं, नाकामी नाकामी। तो ये सारे क्या है हमारे ना से मिलकर बनने वाले। ऐसे अगर हम बात करते हैं बाकी, तो बा का अगर अर्थ बात करें तो बा का अर्थ होता है सहित, सहित या हम कह सकते हैं के साथ। जैसे अगर हम बा लगाएंगे तो हम बना सकते हैं इसे बा इज्जत, क्या बना सकते हैं बा इज्जत, तो ऐसी चीज जो इज्जत के साथ है, इज्जत के साथ है तो हम उसे बना सकते हैं बा इज्जत, और बना सकते हैं इसे बा कायदा, तो वो जो कायदे के साथ है तो बा इज्जत बा कायदा। इसी तरह सर, तो सर का अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है मुख्य,
जैसे कि आप जानते हैं गांव का मुखिया कौन होता है? सरपंच। ये भी इसमें बन सकता है, सरपंच। और सरदार भी हम लिख सकते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं? मुखिया, मुखिया, सरपंच, सरदार। इसी ला की अगर हम बात करें तो ला का अर्थ होता है बिना, किसी चीज के बिना। ला का अर्थ होता है बिना, तो हम इसे बना सकते हैं ला परवाह, लापरवाह, कि जिसे परवाह ही नहीं है तो लापरवाह। और हम इसे मिलाकर बना सकते हैं ला बारिश, ला बारिश। तो ये सारे हमारे कौन से थे? ये विदेशी उपसर्ग थे जिन्हें हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं। तो अब हमने अपने उपसर्गों को कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं अपने प्रत्ययों की तरफ। तो चलिए प्रत्यय, तो अब हम बात करते हैं प्रत्ययों के बारे में, यानी कि सफिक्स के बारे में। अभी हमने समझा था उपसर्ग क्या होता है, तो ऐसे शब्द जो हमारे मूल शब्द के आगे लगते हैं, यानी कि बिगिनिंग में लगते हैं। अगर हम बात करते हैं सफिक्स की, तो ये कहाँ लगते हैं? ये लगते हैं हमारे मूल शब्द के पीछे। अभी उपसर्ग कहाँ लग रहे थे? आगे लग रहे थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सफिक्स की, तो ये लगते हैं हमारे मूल शब्द के पीछे, यानी कि लास्ट में लगते हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में, कहाँ? अंत में। ये बात ध्यान रखिएगा, अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कहाँ लगेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा, अंत में लगेंगे, मूल शब्द के अंत में, जबकि स्टार्टिंग में कौन से लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, अगर हम मूल शब्द लेते हैं पर्वत, तो अभी हम क्या कर रहे थे? उपसर्ग था तो हम इसके आगे जोड़ रहे थे, लेकिन अब हम प्रत्यय कर रहे हैं, तो हम कहाँ जोड़ेंगे? इसके एंड में, यानी कि लास्ट में हम इसमें कोई शब्द जोड़ेंगे। तो पर्वत का, अगर पर्वत हमारा मूल शब्द हो गया, पर्वत हमारा क्या है? मूल शब्द। अगर हम इसमें ये प्रत्यय जोड़ते हैं, ये हमारा क्या है? ये प्रत्यय है, ये पर्वत हमारा क्या है? मूल शब्द, जिसका अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ इसका होता है पहाड़। तो पर्वत मीन्स क्या होता है? पहाड़। अब इसमें हमने क्या किया? ये प्रत्यय जोड़ दिया। जैसे ही हमने इसमें ये प्रत्यय जोड़ दिया, अब ये हमारा क्या बन गया? अब ये हमारा बन गया पर्वतीय। क्या बन गया? ये पर्वतीय। अब ये पर्वत था जिसका अर्थ था पहाड़, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसमें ये प्रत्यय जोड़ा, तो ये बन गया पर्वतीय। अब इसका अर्थ पहाड़ नहीं है, अब ये इसका अर्थ हुआ पर्वत से संबंधित, ऐसी चीज जो पर्वत से संबंधित हो, पर्वतीय। लेकिन अगर पर्वत की बात करें तो पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। जैसे हमने इसमें ये प्रत्यय जोड़ा, उसका अर्थ बदल गया, फॉर्म क्या हो गया? पर्वतीय, जिसका अर्थ होता है पर्वत से संबंधित। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उपसर्ग को। ठीक है, अब हम देखते हैं इन प्रत्ययों के बारे में। तो ये प्रत्यय कहाँ लगेंगे? ये मूल शब्द के अंत में लगेंगे। तो अब जैसे कि हमारे पास प्रत्यय है आई, तो हम ऐसा कोई शब्द बनाना है जिसके लास्ट में आई आए, जरूरी नहीं है बड़ा आए, बड़ा आ का डंडा आना चाहिए, यानी कि बड़ा आ की मात्रा आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आई, तो हम इससे मिलाकर क्या बना सकते हैं? पढ़ाई बना सकते हैं। क्या? जो आप सब लोग कर रहे हैं वो क्या हो गया? पढ़ाई। ठीक है, इसी तरह हम बना सकते हैं दिखाई, और हमारा क्या बन सकता है इसे? बुलाई, बुलाई। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि जो भी इसमें हमारे मूल शब्द है, अब मूल शब्द क्या है? पीछे वाले नहीं, अब मूल शब्द ये है पढ़, दिख और बुलाना, तो ये सब क्या है? ये हमारे इसमें मूल शब्द है, और ये सारे कैसे हैं? मीनिंगफुल हैं। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको बनाएं, उपसर्ग बनाएं या प्रत्यय बनाएं, मूल शब्द हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। तो पढ़ाई, दिखाई, बुलाई। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो है हमारा आग, हम इसे मिलाकर बना सकते हैं तैराक, तैराक होता है। ठीक है, और हम बना सकते हैं चालाक, चालाक हो गया। ठीक है, तो तैराक हो गया, चालाक हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं आन, तो आन से हम बना सकते हैं उड़ान, उड़ान बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? चालान। ठीक है, उड़ान, चालान, और हम बना सकते हैं कटान। तो ये सारे हमारे क्या है? प्रत्यय से मिलकर बनने वाले नए शब्द हैं। ऐसे आभा है, तो आभा हम बना सकते हैं बुलावा, ये हो गया हमारा बुलावा। और हम क्या बना सकते हैं? पहनावा।
पहनावा बना सकते हैं, बुलावा, पहनावा और दिखावा, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, दिखावा। ठीक है, तो बुलावा, पहनावा, दिखावा, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है अना। तो अना से हम बना सकते हैं साधना, और क्या बना सकते हैं, आराधना, आराधना और कामना। हमें अपने अच्छे फ्यूचर की कामना करनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, कामना। हम इसे मिलकर बना सकते हैं साधना, आराधना और कामना। इसी तरह उख, तो हम इसे मिलकर बना सकते हैं भिक्षुक, क्या हो गया, भिक्षुक। और इच्छुक, नई चीजों को जानने के लिए हमें हमेशा इच्छुक रहना चाहिए, तो भिक्षुक हो गया, इच्छुक हो गया और भावक, क्या हो गया, भावक। तो ये थे हमारे प्रत्यय से मिलकर बनने वाले नए शब्द। तो उम्मीद करती हूँ आपको उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप इन शब्दों की प्रैक्टिस करिए और अपने आप से नए शब्दों को बनाने की कोशिश करिए। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के।